हेलो फ्रेंड्स, सर्विस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की एक नई रेसिपी। हमने ये मूंग की दाल ली है, ये हमने 4 या 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। आप चाहें तो इसे पूरी रात भिगो के रख सकते हैं। और भीगने के बाद में हमारी ये पूरी तरह से ये दाल भीग गई है। ये अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। हमने सारा पानी इसका निकाल दिया है दाल का। अब इसे हम पीसेंगे। पानी डालेंगे 1 से 2 चम्मच। दाल को हमने पीस लिया। हम देखेंगे किस तरह से पीसी हमारी दाल। दाल हमारी खूब बारीक पीस के तैयार हो गई है। हमें इस तरह की दाल चाहिए। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमने सारी दाल को हमने निकाल लिया है। 1-2 मिनट इसे हम घुमा देंगे। थोड़ी सी इसे हम बीच में जगह कर लेंगे। डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कलौंजी, थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे अजवाइन। जी हम थोड़े से हाथों से इस तरह से कर लें, मसाले हम हाथों से, और फिर इसे हम डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे देसी घी। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से हाथों से पहले हम मिला लेंगे। हम साइड से मिलाते जाएंगे। दाल को हम सारे में इस तरह से मिला देंगे, मसाले को कहीं कम ज़्यादा ना हो। सारे मसाले को हमने दाल में मिला दिया है। मिल गया हमारा मसाला। और इसमें हम मैदा डालेंगे। इसमें आटा और मैदा दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं खाली मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। हाथों से हम इस तरह से कर दें। अब हम आटे को, मैदा को हम दाल में इस तरह से डो बना लेंगे। हमें पानी नहीं डालना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह हमें आटा रखना है। थोड़ा हम मैदा को डाल देंगे। पंद्रह मिनट बाद हमारा आटा इस तरह से हो गया, मठरी बनाने के लिए तैयार है। अब इसके हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे। एक रोटी के बराबर हम आटा लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें मैदा लगा लेंगे सूखा। जी हमने लोई ली है आटे की, इसे हम बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा हम और लगाएंगे। हमने एक रोटी की तरह बेल लिया है इसे। हमने इसे तेल लगा दिया इस पर, और इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा। जो मैदा है थोड़ा सा लगाएंगे हम। अब इसको हम रोल बनाएंगे। इसका हम इस तरह से कर दें। छोटी छोटी इसकी हम पीसेस कर देंगे। छोटी छोटी हमने इसके कट कर लिया। अब इसे हम हाथों से इस तरह से कर देंगे। अब इस तरह से हमने ये सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। हम बेलेंगे।
थोड़ा सा हमने मैदा लगाया इसमें और थोड़ा सा इसमें हम तेल लगाएंगे। इस तरह से हमारी मटरी बनकर तैयार है। थोड़ा सा इसे हम हल्के हाथों से दबा देंगे। अब इस तरह से हम सारी बनाकर तैयार कर लेंगे मटरी। हमने सारी मटरी को इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम तलेंगे। तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। अब एक एक हम ये सारी हम इसमें डाल देंगे मटरी। तेल हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे और लो फ्लेम पे से हम तलेंगे। अब इसे हम उलट पलट कर देंगे। अब इनका कलर चेंज हो गया। अब इसे हम निकाल लेंगे।